हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबी क्लासेस। आज की क्लास में हम सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर स्टडी करने वाले हैं। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो आइए सर्किट डायग्राम से शुरू करते हैं। सर्किट डायग्राम में हमारे पास चार थायरिस्टर यूज हुए हैं। वोल्टेज सोर्स है, चार थायरिस्टर है, T1, T2, T3, T4 और लोड हमारा रजिस्टिव इंडक्टिव और बैटरी RLE टाइप लोड है। तो देखिए जो इनपुट क्वांटिटी है वो साइनसोइडल है, ध्यान रखिएगा आप। तो Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ओके, दिस इज कंसीडर, दिस इज द इक्वेशन वन। एंड ऑल थायरिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। और हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए हमें उसे ट्रिगर पल्स देनी पड़ेगी। और यहाँ पर अब वेवफॉर्म में देखिए जो इनपुट क्वांटिटी है, ये हमारा इनपुट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये साइनसोइडल इन नेचर है, ठीक है, अल्टरनेटिंग है। और जो हमारा डीसी बैटरी है उसका वेवफॉर्म भी मैंने इसके साथ में ही ड्रॉ किया है। तो देखिए जो डीसी हमारी बैटरी है वो उसने इन थायरिस्टर को क्या कर रही है, रिवर्स बायस कर रही है। और इनपुट क्वांटिटी क्या कर रही है, थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस कर रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को कुछ पर्टिकुलर लेवल तक अपोज कर रही है। तो अल्फा एक एंगल है जहां पर इनपुट क्वांटिटी का वोल्टेज और बैटरी ई का वोल्टेज इक्वल होता है, उसी इंस्टेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो आइए मोड नंबर वन पे देखते हैं। एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पर थायरिस्टर T1 और T2 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल पर। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, उस समय हम T1 और T2 को ऑन करेंगे। तो T1 और T2 जब A पॉजिटिव रहेगा है ना और B नेगेटिव रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा T1 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और T2 हमारा भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो हम दोनों को टर्न ऑन कर सकते हैं, दोनों को एक साथ टर्न ऑन करेंगे। अल्फा हमारा फायरिंग एंगल है, तो जैसे हम टर्न ऑन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और करेंट क्या होगा, सोर्स से थ्रू थायरिस्टर T1 से लोड पे, फिर थायरिस्टर T2 पे और बैक टू सोर्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, सोर्स से लोड की तरफ है, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा, ओके। तो लोड करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और आउटपुट वोल्टेज भी हमारा पॉजिटिव होगा। नाउ कम टू लेट अस सी हियर कि वेवफॉर्म किस तरह बनेगी। ये मोड नंबर वन है, मोड नंबर वन मैंने अल्फा यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया है जीरो से लेके पाई तक। तो जीरो से पाई तक में देखेंगे हमने अल्फा पे टर्न ऑन किया है, तो अल्फा पे क्या करेंगे हम, आउटपुट वेवफॉर्म अल्फा से ही आएगी। अल्फा से स्टार्ट करेंगे और इस मैग्नीट्यूड का एक इम्पल्स बनाएंगे, दिस इज द इम्पल्स पार्ट, ओके। और इम्पल्स के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट को एज इट इज फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है वो इनपुट को एज इट इज फॉलो करेगा, है ना। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। निगेटिव डायरेक्शन में क्यों जाएगी, क्योंकि हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा और उसी डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा या डिसिपेट करेगा जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ है। तो यदि इस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था तो इसी डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, तो स्टोर्ड एनर्जी क्या होगा, क्लॉकवाइज ही रहेगी। तो करंट क्या होगा, हमारा पॉजिटिव है और करंट के आने की डायरेक्शन लोड पे भी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज निगेटिव होगा जब तक कि इंडक्टर अपनी स्टोर्ड एनर्जी को जीरो नहीं कर देता है, ठीक है। तो वेवफॉर्म अल्फा से स्टार्ट होके पाई देन पाई प्लस अल्फा तक जाएगी, ठीक है, पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट तक आएगी। और ये वाला पोर्शन देखिए आप, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक ये निगेटिव साइकिल का पोर्शन है, या फिर हम इस इंस्टेंट को देखें तो ये अल्फा जो पाई प्लस अल्फा से ये वाली स्टेट जो है ये रिपीटिंग स्टेट है हर एक पॉजिटिव साइकिल पे, देखिए, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेट है ये इस पाई से लेके पाई प्लस अल्फा या फिर जीरो से अल्फा तक, ये दोनों क्या है, एरिया वाइज सेम है। तो पाई से पाई प्लस अल्फा तक ये नेगेटिव पोर्शन है, इसी तरह जीरो से लेके अल्फा तक ये नेगेटिव पोर्शन आएगा, क्योंकि जो हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एकदम रिपीटिंग होती है, ओके। सो दैट दिस नेगेटिव पोर्शन विल बी ड्रॉन हियर फ्रॉम जीरो टू अल्फा। अब देखिए जो नेक्स्ट इंस्टेंट है, अब हमने माना कि पाई प्लस अल्फा पर इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी या तो जीरो हो गई है या नया भी हुई है, तो भी हमने फोर्सफुली क्या करेंगे, हम थायरिस्टर T3
और टी फोर को टर्न ऑन करेंगे। इस डायरेक्शन में देखिए टी वन और टी टू ऑन थे, हम पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट पर, हमने अल्फा क्यों लिया है, अल्फा हमारा फायरिंग एंगल है और हम सिमेट्रिकल फायरिंग हमेशा रखेंगे। सिमेट्रिक फायरिंग, फायरिंग मीन्स व्हाट, हर एक पॉजिटिव साइकिल पर हम सिर्फ अल्फा इंस्टेंट पर, लेट अस सी अल्फा कैन बी एनी डिग्री, 30 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 45, 60, जो भी डिग्री ले लेंगे आप, तो अल्फा डिग्री पे ही ट्रिगर करेंगे। जब हम सिमेट्रिकल सेम एंगल पर ट्रिगरिंग देंगे हर पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो उसे हम सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग कहते हैं। इसलिए पाई प्लस अल्फा पे देखिए ये निगेटिव साइकिल आ गई है और निगेटिव साइकिल का इन्वर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये इन्वर्ट हमने सर्किटरी को समझने के लिए ड्रॉ किया है। जैसे ये पॉजिटिव हमें दिख रही है, इस पॉजिटिव के दिखने से हमें समझ में आ जाएगा कि अब मोड नंबर टू में टी थ्री और टी फोर हमारे फॉरवर्ड बायस केस में आएंगे। जैसे ही निगेटिव साइकिल आएगी तो निगेटिव साइकिल आने से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो माइनस से हमारा टी फोर फॉरवर्ड बायस कंडक्शन स्टेट में आएगा या रेडी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस मोड में, और यहां से टी थ्री हो जाएगा। तो अब पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट पर हम टी थ्री और टी फोर को टर्न ऑन करेंगे और उससे क्या होगा, हमारा करेंट क्या होगा, सोर्स से थ्रू, सोर्स के से निकल के थायरिस्टर टी थ्री, लोड बैक टू थायरिस्टर टी फोर एंड बैक टू द सोर्स, इस तरह फ्लो होगा। तो अब हमें देखिए जो करंट की डायरेक्शन है, अभी भी आउटपुट करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्टिल इट इज क्लॉकवाइज, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी हमारा पॉजिटिव ही मेंटेन रहेगा। अब ये इंस्टेंट कहां से स्टार्ट होगी, ये भी इस मैग्नीट्यूड को फॉलो करेगी, इस जीरो इंस्टेंस, इस इतना इंपल्स जो कि मैग्नीट्यूड क्या है, बैटरी के इक्वल है, ये अपोजिंग हो, ये इंपल्स और इसका लेंथ या मैग्नीट्यूड, दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सो और ये फिर क्या करेगा, इनपुट क्वांटिटी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट टू पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट तक, टू पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट तक ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। निगेटिव में क्यों जाता है मैंने आपको बता दिया है, इंडक्टर में स्टोर एनर्जी डिस्चार्ज डिसिपेट होती है सर्किट में, और वो फोर्सफुली सर्किट को क्या करेगा, कंडक्शन स्टेट में रखेगा। जैसे यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी तो यहाँ पे भले ही बैटरी लगा हुआ है, ये जैसे ही अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा इंडक्टर डिस्चार्ज होने के लिए, तो बैटरी को भी फोर्सफुली चार्जिंग मोड में रखेगा और सोर्स से होता हुआ बैक टू रजिस्टर में या रजिस्टर में हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इंडक्टर अपनी एनर्जी जो है वो निश्चित रूप से डिसिपेट करता ही है। तो आपने देखा कि हमने एवरेज वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज किस तरह ड्रॉ किया है। अब हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जितने ड्यूरेशन में वोल्टेज निगेटिव क्यों आया था ये भी हम समझ गए। अब हम देखेंगे आउटपुट करंट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आउटपुट करंट हम अल्फा से स्टार्ट करेंगे, अल्फा से स्टार्ट होकर डेफिनेटली पाई प्लस अल्फा तक आएगा, ठीक है। पाई प्लस अल्फा तक क्यों होगा, क्योंकि हमें आउटपुट भी मिला और हमारा थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में भी रहा है। ऐसे ही पाई से पाई प्लस अल्फा तक क्या है, टी वन और टी टू कंडक्शन में थे, तो जो आउटपुट करंट है वो किस किस के थ्रू फ्लो हो रहा है, टी वन और टी टू के। अब देखिए नेक्स्ट मोड में पाई प्लस अल्फा पर आउटपुट करंट क्या होगा, टी थ्री और टी फोर से फ्लो होगा और उसका वेव शेप इस तरह रहेगा। ये जो कर्व बना है वेव का, दिस नेचर ऑफ द कर्व इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, एंड दिस कर्व इज मोस्टली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टर। इफ द वैल्यू ऑफ इंडक्टर विल बी वेरी हाई, दिस कर्व विल बी वेरी स्ट्रेट। इफ द वैल्यू ऑफ इंडक्टर विल बी वेरी लो, दिस कर्व विल गेट मोर सेग एंड मोर कर्वेबल। ओके, ये और ज्यादा कर्व की तरह रहेगा। तो ये हमारा आउटपुट करंट हो गया जो अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक चला। अब पाई प्लस अल्फा से टू पाई प्लस अल्फा तक चलेगा, उस समय टी थ्री और टी फोर कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। अब आप आते हैं नेक्स्ट कि सोर्स करंट का नेचर कैसा रहेगा। देखिए हमारा इनपुट क्वांटिटी क्या है, अल्टरनेटिंग है, तो सोर्स करंट है, तो सोर्स करंट भी हमारा अल्टरनेटिंग रहेगा। तो पाई प्लस पाई अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक हमारा क्या होगा, थायरिस्टर टी वन और टी टू कंडक्शन स्टेट में रहेगा और वो हमारे आउटपुट करंट की तरह ही रहेगा इसका नेचर। बस इंपल्स कहां, इंपल्स रहेगा इसमें। देखिए इसका स्टार्ट हो, यहाँ पे जो वेवफॉर्म स्टार्ट हुई थी वो अल्फा जीरो इंस्टेंट से, अल्फा पे शुरू हुई थी और जीरो वैल्यू से शुरू हुई थी। यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड के साथ शुरू होगी जो कि बैटरी ई का मैग्नीट्यूड मेंटेन रखेगी। तो यहां से स्टार्ट होके यहां बैटरी ई तक चलेगी, ये भी मैग्नीट्यूड क्या है, बैटरी ई का है। सो दिस कर्व विल बी सिमिलर टू द आउटपुट करंट कर्व। तो ये हो गया पॉजिटिव साइकिल के लिए, और निगेटिव साइकिल के लिए यही साइकिल एज इट इज इन्वर्ट हो जाएगी और ये फिर टी थ्री और
टी फोर के थ्रू फ्लो होगी। और इसके बाद ये इंस्टेंट हमारी क्या है, टू पाई प्लस अल्फा। टू पाई पर हमारी साइकिल क्या होती है, अल्टरनेटिंग रिपीट होती है, तो इसके बाद सारे साइकिल्स रिपीट होंगे। ओके नाउ अब करेंट ड्रॉ करना है थायरिस्टर टी वन और टी टू के थ्रू। ये थायरिस्टर टी वन है और टी टू है, इसके थ्रू करेंट का नेचर हमारा किस तरह रहेगा वो देखना है। तो ऑब्वियसली जो सोर्स करेंट रहेगा, ये सर्किट हमारा सीरीज सर्किट बनता है, ध्यान रखिएगा है ना, ये सीरीज सर्किट है। तो जो सीरीज सर्किट में करेंट का वैल्यू और करेंट का नेचर दोनों ही सेम होता है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट करेंट की थी या सोर्स करेंट की थी, वही कैरेक्टरिस्टिक करेंट की रहेगी जो कि थायरिस्टर टी वन और टी टू से होगा, होते हुआ जाएगा या फ्लो होगा। तो यहां पर हम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। अब ध्यान रखिए, ये जो हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं करेंट थ्रू थायरिस्टर टी वन एंड टी टू के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर नेक्स्ट करेंट जो पाई प्लस अल्फा से टू पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट तक है, वहां पे करेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ टी वन और टी टू के लिए, यहां पे टी थ्री और टी फोर का कोई मैटर नहीं है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल देखिए, जब यहां पर आएगी उस समय हम दोबारा टी वन और टी टू को ऑन करेंगे और फिर से ये उसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगी। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर और टी वन और टी टू ये कैसे ड्रॉ होंगे। तो ध्यान रखिए थायरिस्टर टी वन और टी टू हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज तभी अवेलेबल होता है जब वो कंडक्शन स्टेट में नहीं होती है। यदि डिवाइस शॉर्ट सर्किट है तो डिवाइस के थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और डिवाइस यदि ओपन है तो डिवाइस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल होगा। अब देखिए यहां पे जीरो से लेके अल्फा तक जो इनपुट क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बैटरी से कम है, तो हमारा डिवाइस क्या है, इस इंस्टेंट पे कभी भी टर्न ऑन नहीं हो सकता। तो जीरो से अल्फा तक थायरिस्टर टी वन और टी टू ऑन नहीं हो सकते। यदि ऑन नहीं हो सकते तो ओपन है, और ओपन है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज अवेलेबल होगा, और वोल्टेज कैसा अवेलेबल होगा, सिमिलर टू द इनपुट। तो इतने वाले पार्ट को आप सीधे यहां पे कॉपी कर दीजिए, ठीक है, सिमिलर टू द इनपुट। इस कर्व को भी एज इट इज और इस मैग्नीट्यूड को भी एज इट इज आप बनाइए, ठीक है। तो अल्फा, अब अल्फा इंस्टेंट पर आ गए, अल्फा पे क्या होगा, हमारे थायरिस्टर टी वन टी टू क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज मिनिमम, किस इंस्टेंट तक, पाई प्लस अल्फा तक। पाई प्लस अल्फा पे क्या होगा, थायरिस्टर टी वन और टी टू फिर से ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे, रिवर्स बायस रहेंगे, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे। तो फिर से हम मैग्नीट्यूड बनाएंगे और फिर से नेगेटिव साइकिल को फॉलो करेंगे और इस टू पाई इंस्टेंट तक आएंगे। टू पाई इंस्टेंट के बाद देखिए नेगेटिव साइकिल क्या होने लगी, पॉजिटिव होने लगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे टी वन और टी टू को ऑन नहीं कर सकते क्योंकि अभी अल्फा इंस्टेंट नहीं आया, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और टू पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट तक क्या होगी, ये वेवफॉर्म हमें मिलेगी। और टू पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट पर फिर से हम और टी वन टी टू को ऑन कर देंगे और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस एट द इंस्टेंट ऑफ ऑन है ना क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और ये साइकिल इस तरह रिपीट होगी। अब देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर टी थ्री एंड टी फोर। तो टी थ्री और टी फोर कब कब कंडक्शन स्टेट में नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए जब टी वन और टी टू कंडक्शन स्टेट में है तब टी थ्री और टी फोर कंडक्शन स्टेट में नहीं है। जब टी थ्री और टी फोर कंडक्शन स्टेट में है उस समय टी वन और टी टू कंडक्शन स्टेट में नहीं है। तो ध्यान रखिए जब आपको आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस थायरिस्टर टी वन और टी टू जीरो मिल रहा है, उतने सारे ड्यूरेशन के लिए आपको वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर टी थ्री और टी फोर मिलेगा। और जब जब थायरिस्टर टी वन और टी टू के लिए वोल्टेज आपको मिल रहा है उतने सारे ड्यूरेशन के लिए आपको थायरिस्टर टी थ्री और टी फोर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जस्ट इसकी अपोजिट वेवफॉर्म आएगी, यहां पे देखिए ये नेगेटिव साइकिल है, इसलिए नेगेटिव साइकिल के लिए नेगेटिव वोल्टेज आएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा। तो इसको जस्ट इसका इन्वर्ट बनाना है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये डेफिनेटली आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इसमें बहुत सारी वेवफॉर्म थी जिसको समझना है, लेक्चर वीडियो को आपको पूरा सुनना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे, थोड़ा स्लोली और ध्यान से समझेंगे। अब देखते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। तो टाइम पीरियड यहां पर क्या होगा, पहले ये देख लीजिए साइकिल क्या होता है, रिपीटिंग होता है। यदि हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का टाइम पीरियड इस तरह लेते हैं जीरो से लेके टू पाई, तो आप इस पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल को लेते हैं और इसके बाद साइकिल क्या होती है, रिपीटिंग होती है।
तो साइकिल जब रिपीट होना स्टॉप कर देती है ना, तो दिस इज द टाइम पीरियड। ये आपको समझता है टाइम पीरियड कैसे लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए टाइम पीरियड क्या होगा, यहां पे अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा है ना, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा, और पाई प्लस अल्फा के बाद फिर से रिपीटिंग है, और फिर टू पाई प्लस अल्फा के बाद फिर से रिपीटिंग है। तो यदि आप टाइम पीरियड देखेंगे यहां पे, तो हमें टाइम पीरियड क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। वी नॉट इक्वल टू वन बाई टी, दैट इज टाइम पीरियड। तो यहां पे आपको टाइम पीरियड में बता दू, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू पाई, इस तरह कैलकुलेट होगा। फिर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट माइनस कर देंगे, आप पाई प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कर देंगे, तो आपको टाइम पीरियड निकल आएगा। तो वन बाई पाई फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, इनपुट क्वांटिटी वीएम साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे वीएम देखिए कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, साइन ओमेगा टी को डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी मिलेगा, लिमिट लगाएंगे अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक, आप वैल्यू पुट करेंगे, कॉस पाई प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस अल्फा होता है, इसको यहां रखेंगे, कॉस अल्फा दोनों प्लस हो जाएंगे, तो टू टाइम्स वीएम बाई पाई इंटू कॉस अल्फा, दिस इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ध्यान रखिए कैलकुलेशन को, ये बार बार ध्यान रखना है, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये वेवफॉर्म समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आई तो वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगी। सो थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।